देश में एक समय पर ऐसे हालात थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत दे रहे थे, तो वहीं लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने सिलेंडरों में ऑक्सीजन भी भरवा रहे थे। मगर आज फरीदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में ऑक्सीजन से भरे करीब 10 से ज्यादा टैंकर खड़े हैं। ये टैंकर गुजरात के जामनगर, हजीरा व ओडिशा के राउरकेला व अंगूर से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन के जरिए आए थे और प्रत्येक टैंकर में करीब 22 टन ऑक्सीजन है, जो कि अब खड़े खड़े लीकेज भी होने लगे हैं। कोरोना संक्रमण का जैसे जैसे ग्राफ कम होने लगा है, वैसे ही ऑक्सीजन की मांग में काफी कमी आई है, जिसके चलते ये टैंकर खाली भी नहीं हो रहे और कई दिनों से एक जगह रहने के कारण टैंकर चालक व हेल्पर भी परेशान हो गए हैं। टैंकर चालकों ने बताया कि हमें अभी तक नहीं बताया गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ देनी है और इसके अलावा हमें घर भी नहीं जाने दिया गया है। आलम यह है कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए 9 से 10 दिन हो चुके हैं और कई बार उन्होंने अपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी की है, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। टैंकर चालकों का कहना है कि जब तक उनके पास कोई संदेश नहीं मिल जाता, तब तक ना तो घर जा सकते हैं और ना ही इन ऑक्सीजन टैंकरों को कहीं सप्लाई दे सकते हैं, इसलिए उनके पास सिवाय इंतजार करने के और कोई रास्ता नहीं है। देखिए पूरी रिपोर्ट। टैंकर हैं तो चालक परचालक भी 2 दर्जन से करीब होंगे, तो किस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है? इनका दोनों टाइम खाना अपना टाइम से टाइम दे रहे हैं, सुबह भी शाम भी, नहाने धोने का सारा सिस्टम है हमारा इनके पास बिल्कुल। तो कब तक के लिए मैसेज है, कब तक इनकी व्यवस्था चलती रहेगी? देखो ये आदेश तो अफसर बताएंगे जी, हमारे पास तो जो जितनी जिम्मेवारी हमें दे रखी है अफसरों ने वो हम निभा रहे हैं अपने तरीका से। आदेश जैसे होंगे जाने के कहेंगे ऐसे तो हम भेज देते हैं। अभी तक कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि एक टाइम लिमिट रखती हो कि 25 तारीख या 20 तारीख तक? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं, अभी तक कोई टाइम नहीं। को जरूरत होती है सरकार को आदेश कर देती है, हमारे पास अफसर मैसेज भेज देते हैं, गाड़ी भेज देते हैं जी। सर कहाँ पहुँचाने हैं? नहीं, अभी कोई मैसेज नहीं मिला है। यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, खाने पीने रहने की? नहीं, व्यवस्था सारी सही है, खाने पीने की भी, रहने सहने की सभी व्यवस्था ठीक है। तो कोई डिमांड है जिससे आप कहना चाहें सरकार के लिए या किसी के लिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ पहुँचाने हैं पहुँचा दीजिए? नहीं, डिमांड क्या है, डिमांड तो अधिकारियों के ऊपर है, अधिकारी जहाँ बोलेंगे, प्रशासन जहाँ बोलेगा वहाँ जाएंगे, सरकार की इच्छा होगी वहाँ पहुँचाएंगे। आप लगातार लंबे समय से यहाँ रुके हुए हैं, तो ये है ना कि आप एक ही जगह बिना कोई वजह के खड़े हैं, ना कोई बस सुबह उठना शाम को सोना यही सब चल रहा है? नहीं, वो ऐसा है नहीं, जैसे सरकार की व्यवस्था पीछे खराब हुई थी ऑक्सीजन के बाद में, तो उसको सरकार देख रही है कि तीसरा जो आने वाला है उसके इंतजार में उसने मतलब जो है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन खड़ी रखकर रखी है इसी चक्कर में। हाँ, तो जब तक कोई आदेश नहीं मिलेगा आप यहीं जाएंगे? नहीं, हम नहीं जा सकते। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। राकेश दुबे। कहाँ से पहुँचे सर आप? हम आए हैं अजीरा से। अजीरा, गुजरात के अजीरा से। कब पहुँचे थे आप? आज मेरे को हो गया 4 दिन। 4 दिन से। तो कितने टैंकर लेके पहुँचे थे आप यहाँ पे? एक ही आया था मेरे साथ। तो 4 दिन से किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था ठीक चल रही है, खाना पीना मिल रहा है, नहाने को मिल रहा है, सब ठीक है। तो क्या बात हो पाई है आपकी किसी? बात अभी कुछ नहीं हुई है, बात ये हुई प्रशासन बात बताएगा तो हमें जहाँ भेजेगा वहाँ जाना पड़ेगा। तो आपके जो बड़े ऊपर अधिकारी हैं उनसे जो कोऑर्डिनेट कर रहा है आपके इन टैंकरों को, तो उनसे कोई बात हो पाई है? वो क्या बता रहे हैं अभी? वो अभी कुछ नहीं बता रहे, तो प्रशासन देखेगा, हमारे तो मालिक भी कुछ नहीं बता रहे हैं, तो बोले प्रशासन करेगा जो कुछ करेगा। उन्होंने अभी तक यही कहा है कि आप यहीं कोई मैसेज नहीं मिला? यहीं रहो, हाँ जब मैसेज आएगा भेज देंगे, जहाँ खाली होगा वहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे। तो किस तरह भी परेशानी नहीं है? जो रेल आई थी एक्सप्रेस उसके अंदर आए थे आप जी, तो कहाँ लेके जाने थे आपको? अब हमें कोई कन्फर्म मिल ही नहीं, ऑर्डर कहीं का मिल नहीं रहा, मैसेज नहीं मिला है कहाँ लेके जाने हैं? कोई मैसेज नहीं। तो 9 दिन से यहीं खड़े हैं आप? हाँ, 9 दिन से यहीं खड़े। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था सही है, खाना पीना मिल रहा है, रह रहे हैं, क्या करेंगे। तो क्या रहने वाले कहाँ से हैं आप? कानपुर। कानपुर से जी। तो आपने बात नहीं की अपने कोऑर्डिनेटर से या ऊपर किसी अधिकारी से? हर जगह बात की है, वो गवर्नमेंट के अंदर में है, गवर्नमेंट फोन ही नहीं रिसीव करता मेरे एडिटर का। तो अभी कोई मैसेज नहीं मिला है? नहीं। तो जब तक कोई मैसेज नहीं मिलेगा यहीं खड़े रहेंगे? बिल्कुल, क्या करेंगे, नौकरी करनी है तो रहना ही पड़ेगा। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।